राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि के अवसर पर एक बैठक भूड़े के चौराहा स्थित हाजी इकराम कुरैशी के कार्यालय पर की गई, जहां कहा गया कि जिस भारत वर्ष का निर्माण राम मनोहर लोहिया और महात्मा गांधी जैसे महान नायकों ने किया था और एक स्वर्णिम राष्ट्र का सपना देखा था, उसे वर्तमान सरकारें पूरी तरह बर्बाद कर रही है। कानून व्यवस्था लगातार चरमरा रही है, जिसकी वजह से राष्ट्र बर्बादी की तरफ जा रहा है। सपाइयों ने कहा कि अब वो चैन से नहीं बैठेंगे और सबको बेनकाब करेंगे। इस बैठक में जयवीर यादव, अनीस अहमद, अतर हुसैन, उबैर अंसारी, इकराम अंसारी, उमैर हसन पासा, धर्मेंद्र यादव, जुल्फिकार हाजी, मुमताज आलम, कमल आदि लोग मौजूद रहे। और बहुत ही हरदिल अजीज विधायक बड़े भाई हाजी इकराम कुरैशी साहब, बड़े भाई जयवीर यादव जी, पूर्व विधायक अनिल रहमान सैफी साहब और पार्टी के तमाम सम्मान लोग। आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की जयंती है और जैसा कि हम कहते हैं कि उनका सपना कैसे पूरा हो, तो मैं समझता हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सपना उस दिन पूरा हो गया जब हाजी इकराम जैसे एक ऐसे परिवार में जन्म व्यक्ति जिनके परिवार में कोई सभासद भी कभी नहीं बना, उस परिवार से अगर कोई विधायक बन के जाता है तो मैं समझता हूँ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का सपना पूरा हो गया। हाजी इकराम कुरैशी साहब मुरादाबाद की आवाज़ है, समाजवादी पार्टी की पहचान है और एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सही मायने में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के विचारों को लेकर समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेताओं के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। हम उन्हें अपने खराज अकीदत पेश करना चाहते हैं इस उम्मीद और यकीन के साथ में कि जिस तरीके से डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने हमारी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया है, हम तमाम लोग उनके विचारों को आगे बढ़ाएंगे और मिशन 2019-2022 और बहुत ही जल्द स्थानीय निकाय के होने वाले चुनाव में बहुत बड़ी जीत के साथ में हम परचम लहराएंगे। यही मैं समझता हूँ कि डॉक्टर राम मनोहर जी का सच्चा सपना होगा। मैं क्योंकि हमारी पार्टी के जिला अध्यक्ष और विधायक हाजी इकराम कुरैशी साहब की तबीयत अलील चल रही है, मैं अपनी तरफ से और तमाम समाजवादी पार्टी और अहले शहर की तरफ से उनकी सेहत की लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक उनकी सेहत उन्हें अता फरमाए और उनको तंदुरुस्ती अता फरमाए, ताकि मुरादाबाद में जो एक मजबूती समाजवादी पार्टी को मिली है और हाजी इकराम कुरैशी साहब जैसा एक नुमाइंदा और विधायक यहाँ से उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पहुँचे हैं और मुरादाबाद के मसाइल को उन्होंने उठाया है, क्योंकि अब तक विधायक बहुत जीत कर जाते थे लेकिन मुरादाबाद की आवाज़ के मामले में वहाँ शून्य रह जाता था। अगर आज मुरादाबाद की आवाज़ विधानसभा में पहुँची है तो वहाँ हाजी इकराम कुरैशी साहब की बदौलत जीत।